सो रहा है। तो हम बात कर रहे हैं बायोमेट्रिक डेटा में कि हमारे पास नेम है और कितने बजे इन हुआ है और कितने बजे आउट हुआ है, इसकी रिपोर्ट बनाने की। तो हमने सिलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पे डेटा रिपीटेड है, तो हो सकता है कि कई बार लोग अंदर बाहर किए हैं, तो उसका मैंने बायोमेट्रिक डेटा आ गया है। तो हमने पिवट लगाया, पिवट लगाने में हमने नेम को रखा रो में ताकि लिस्ट ऑफ नेम आ जाए, और इनको उठा के रखा कॉलन में। और जहाँ तक हमने बताया था आपको लास्ट वीडियोज में भी कि हम यहाँ पे ग्रुप पे जाएंगे और सिर्फ डेज वाइज ग्रुप कर लेंगे, हो गया ग्रुप। अब इसके बाद हम इन को यहां रखेंगे, अगेन आउट को यहां रखेंगे। अब काउंट आ रहा है, हम यहां पे जाएंगे वैल्यू फील्ड सेटिंग में, इनको बोलेंगे कि मिनिमम मैं सबसे पहले, क्योंकि डेट एंड टाइम जो होता है एक्चुअल में होता तो डेट एंड टाइम है बट दिखता नंबर है, तो इस तरह से आपको नंबर्स में दिखेंगे। और आउट को हमने कर दिया मैक्स, तो ये आपका मैक्सिमम आ गया, ठीक है। पर नंबर दिख रहे हैं, मिनिमम आउट को मैक्सिमम। तो मैंने इनको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, टाइम, और ये अपना टाइम जो है डाल दीजिए कि क्या टाइम है, ठीक है। और यहां पे आप दीजिए, यहां पे दीजिए इन। अब इन डालने के बाद एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि इन नाम का ऑलरेडी फील्ड है, तो यहां आपको इन भी शो करना है, जैसे एक स्पेस डाल दीजिए इन हो जाएगा। और यहां पे कर दीजिए हमारा आउट, एंटर मारिए, स्पेस देके एंटर मारिए, आउट हो गया। और बेटर दिखाने के लिए आप पिवट टेबल ऑप्शन पे जाएं, इसको मर्ज कर दें ताकि ये मर्ज हो जाएगा, और जहां जहां ब्लैंक था ना वहां वहां कर दीजिए ए, क्योंकि हम ब्लैंक जगह पे कोई भी कर सकते थे, एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। आप ये फॉर्मेटिंग कर ले, और जैसी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। टोटल एंड फिल्टर यहां से आप हटा दीजिए ताकि टोटल एंड फिल्टर ना दिखे। तो यहां से वहां पे पहले वाले में था कि अपना एब्सेंट प्रेजेंट दिखा दिया, इसमें टाइम इन आउट और एब्सेंट दिखा दिया। अब आपको इस डेटा को लेना है और आपको रिसर्च करना है, इस फाइल में आप लोगों को भेज देता हूँ, रिसर्च करना है कि इसमें ये दिखाना है कि कितने आवर्स हुए, ठीक है, टोटल आवर्स कितने हैं आपको यहाँ पे शो करना है।